नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप सभी ने लॉग इन किया स्टूडेंट फरमाइश। आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे, मैं दो क्वेश्चंस करवाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको टास्क के रूप में दूंगा, तो उसका जो आंसर बनेगा उसको आपको कमेंट का बॉक्स में लिखना पड़ेगा। और जिन्होंने और जो लोग को नहीं पता कि मैं ऑलरेडी अनअकैडमी में भी हूँ, तो आप वहाँ पर जाके मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए, सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, सबसे पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो देखते हैं, इन ए क्लास देयर आर टू सेक्शंस, दो सेक्शंस हैं ए और दूसरा सेक्शन है बी, डन। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, 25% ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 44 4/9%। सबको पता होता है कि 44 4/9 मतलब 4/9 होता है ना, ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी आर गर्ल्स। एक काम करते हैं ना, 25% मतलब 1/4। ये 4 क्या दिखाता है, ये 4 टोटल दिखाता है, तो एक काम कर लेता हूं मैं, टोटल एज्यूम कर लेता हूं मैं, टोटल अगर 4x स्टूडेंट्स हैं ए में तो बी में कितने हैं, ये डिनोमिनेटर क्या दिखाता है, 9, यानी 9 वही मान लेता हूं, ठीक। तो इसी में बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितने होंगे, और इसी में बॉयज और गर्ल्स कितने कितने होंगे, ठीक। अब देखो, 25% जो है वो क्या है, गर्ल्स हैं, तो 1/4 यानी 1 क्या दिखाएगा, यानी 1x, x कितने होंगे, गर्ल्स होंगे, क्योंकि 25% मतलब 1/4 ऑफ 4x, दैट इज x। अगर गर्ल्स x हैं तो बॉयज 3x, ठीक, तब तो दोनों को मिला के मुझे 4x मिलेगा। अब ठीक उसी तरह 4/9 आर गर्ल्स, यानी 4 गर्ल्स हैं आउट ऑफ टोटल 9, यानी गर्ल्स हैं ये 4y, तो बॉयज हो जाएंगे 5y। इतना समझ में आया सबको। अब देखो, If two students are chosen at random, दो students को मैं choose करता हूं from each section A and B as class representative, then find the probability that there will be exactly one boy out of chosen two students. यानी मुझे एक बंदा section A से select करना पड़ेगा और दूसरा बंदा या बंदी सेक्शन बी से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे सिलेक्शन करना पड़ेगा कि वहां पे पक्का एग्जैक्टली वन बॉय होना पड़ेगा, दो बॉयज नहीं हो सकते, एग्जैक्टली वन बॉय होगा। तो दो चीज हो सकता है, केस वन क्या होगा दोस्तों, अगर मैं सेक्शन ए से एक लड़का को चूज करता हूं प्लस सेक्शन बी से एक लड़की को चूज करूंगा, क्यों, बिकॉज एग्जैक्टली वन बॉय बोला है, मतलब सेक्शन ए से ऑलरेडी मैंने बॉय चूज कर लिया तो जी से चूज कर लूंगा। अब मुझे बताइए बॉय चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 3x आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 4x, दैट इज 3/4। गर्ल्स बी से अगर मैं चूज करूं, दैट मीन्स 4y आउट ऑफ 9y, दैट इज 4/9। और मुझे ये बताइए प्यारे दोस्त, ये जो इवेंट हो रहा है, मैं इसको एक साथ कर रहा हूं, जब कोई काम एक साथ किया जाता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी 3/4 × 4/9, 4 कैंसल, 3, 1/3 आया पहले केस से। बात समझे कि नहीं समझे, अब केस टू के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। केस टू क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वन बॉय आपको चाहिए, ऑलरेडी एक बॉय मैंने सेक्शन ए का चूज कर लिया, तो अब जो होगा सेक्शन ए से एक गर्ल को चूज करूंगा और सेक्शन बी से एक बॉय को चूज करूंगा, ठीक। सेक्शन ए से गर्ल चूज करने का तरीका क्या होगा, 1/4 यानी x/4x है ना। सेक्शन बी से अगर एक लड़का चूज करता हूं तो 5/9 और ये दोनों काम एक साथ मैंने किया, यानी मल्टीप्लीकेशन, यानी 1/4 × 5/9, दैट इज 5/36, ठीक है। तो मुझे बोलो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अभी ये एक संभावना है 1/3, नहीं तो ये एक संभावना है, नहीं तो मतलब क्या, और यानी एडिशन, जब और होता है तो एडिशन, यानी ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है, ठीक है, तो एडिशन होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें, देखो ये 36 है तो इसको 36 बनाने के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा, तो ये 36 हो जाएगा, ऊपर ही 12 करूंगा, 36 हो जाएगा ये, तो दोनों को ऐड कर सकता हूँ, 17/36, आंसर इज 17/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखो, रवि एंड स्नेहा गॉट मैरिड 10 years ago,
तो रवि और स्नेहा करके कोई है, दे गॉट मैरिड 10 ईयर्स एगो एंड एट दैट टाइम रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5:4। यानी 10 साल पहले इन्होंने मैरिज किया, उसी वक्त पे उनका एज का रेशियो क्या था? 5:4, 5:4, ठीक, 10 साल पहले। और ये क्या है? प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड स्नेहा इज 7:6, 7:6 है ये प्रेजेंट वाला। आफ्टर मैरिज, अच्छा अब इतने डाटा से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, उनका प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 7 और 6 का डिफरेंस 1, तो 1 1 ऑलरेडी बराबर है, तो ऑलरेडी हमारा तो काम आसान हो गया है। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, तो हम 2 और 1 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करते, तो ऑलरेडी 1 और 1 में सेट है, तो हमें कुछ नहीं करना है। बस एक काम करो, 5 और 7 का डिफरेंस क्या होता है? 2, 2 होता है कि नहीं होता है? और ये 2 यूनिट किसको दिखा रहा है? 10 साल का डिफरेंस, यानी 1 यूनिट किसको दिखाएगा? 5 साल का डिफरेंस, 1 यूनिट 5 को दिखा रहा है, तो 7 यूनिट 35 को दिखाएगा, 6 यूनिट 30 को दिखाएगा, यानी प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 35 एंड प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा इज 30। समझ में आया? तो लिख देता हूं यहां पे, रवि का प्रेजेंट एज जो है 35, ठीक है, और स्नेहा का जो प्रेजेंट एज है 30, ठीक है, इतना डेटा हमारे पास मौजूद है अभी। ओके, आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद दे हैड 7 चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग ए ट्रिपलेट एंड ए ट्विन। अच्छा मुझे ये बताइए, ये प्रेजेंट एज है, लेकिन इन्होंने जो मैरिज किया है 10 साल पहले किया है, तो 10 साल पहले रवि का एज क्या हुआ होगा? 25, और 10 साल पहले स्नेहा का एज क्या हुआ होगा? 20। इतना समझ में आया कि नहीं बॉस? ठीक है, अब देखो, जब इन्होंने मैरिज किया तो उनको 7 बच्चे हुए, यानी 7 चिल्ड्रेन, 3 ट्रिपलेट हुए और 2 ट्विन इन्वॉल्व हुए वहां पे। मतलब इन्होंने जब मैरिज किया, तो एक काम करता हूँ, इसको ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, तो 3 ट्रिपलेट में हुए और 2 ट्विन्स हुए, ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? ओके, इसका मीनिंग क्या है बता सकते हो कोई? 3 ट्रिपलेट का होना यानी तीनों के तीन एक ही टाइम पे जन्म हुए हैं, है ना, और 2 ट्विन होना यानी दोनों के दोनों एक ही टाइम पे जन्म हुए हैं। ओके, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ट्रिपलेट ट्विन 6th चाइल्ड एंड 7th चाइल्ड, बिकॉज 3 इंसान यहां पे हो चुके, 2 इंसान हो चुके, 5 हो गया, और एक छठवा वाला लड़का या लड़की और 7वां वाला बच्चा, ठीक है, क्योंकि टोटल 7 चिल्ड्रेन हुए हैं ना, तो ट्रिपलेट में 3 आ गए, 2 आ गए ट्विंस में, 6 और 7th नंबर, तो टोटल मिला के 7 बच्चे हो चुके हैं, और उनका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया है? 4:3:2:1। इनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 4:3:2:1। ठीक, अब देखो, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट टोटल एज ऑफ द फैमिली, यानी लार्जेस्ट पॉसिबल, यानी सभी का टोटल एज निकालो बोल रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है सभी का टोटल एज निकालो। ये सुपर हिट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कैसे करना पड़ेगा देखिए, एक काम करते हैं ना, इसको मैं 4x एज्यूम कर लेता हूँ, 3x एज्यूम कर लेता हूँ, 2x एज्यूम कर लेता हूँ, इसको 1x एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 4x, ये 4x के वैल्यूज क्या क्या संभव है? 4 हो सकता है, नहीं तो अगर x इजिकल टू 1 है तो 4 आएगा, x इजिकल टू है तो 8 आएगा, x इजिकल टू 3 है तो 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 10 साल पहले इन्होंने मैरिज किया, इनके माता पिता ने, ठीक है, तो क्या ये संभव है कि वो ट्विन्स लोगों का प्रेजेंट एज 12 होगा? कभी हो सकता है क्या? अरे 10 साल पहले मैरिज हुआ है और 12 एज कैसे हो सकता है उन बच्चों को? तो ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को 8 साल हो सकता है, समझे? गेटिंग इट और नॉट? आई एम व्हाट आई एम स्पीकिंग टू यू। 10 साल पहले इन लोगों का मैरिज हुआ। अब अगर मैं बोलूं कि ट्विन्स लोगों का एज 16 है तो ये क्या संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इट इज पॉसिबल दैट उनका एज 8 हुआ हो, और 8 क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं है? कोई बता सकता है सर? 4 भी हो सकता है, बट यहां पे सवाल पे दिया है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें लेना है, मतलब 8, 8 हमें लेना है।
एट लेना है, यानी 4x इज इक्वल टू 8 लेना है, मतलब x इज इक्वल टू 2 लेना है, यानी ये हो गया 8, x इज इक्वल टू 2 है तो ये 6 और 2 है ये 4, 1 इंटू 2 2। बात समझे बॉस? बात समझे? अब सवाल क्या दिया था इसको थोड़ा और एक बार पढ़ लो, इसको थोड़ा पढ़ लो सवाल। अब सवाल ये था दोस्तों, सवाल ये था टोटल एज निकालना है, सभी का टोटल एज निकालना है। अच्छा टोटल करते हैं, पेरेंट्स का टोटल एज क्या हुआ 35, स्नेहा का टोटल एज कितना हुआ 30 प्लस। अच्छा ये सेवेंथ नंबर चाइल्ड का प्रेजेंट एज क्या है 2, ओके। सिक्स नंबर चाइल्ड का प्रेजेंट एज क्या है 4, ओके। ट्विन्स लोगों का प्रेजेंट एज क्या है 6, ट्विन्स कितने हैं 2 हैं, तो एक का 6 है तो 2 ट्विन्स का एज टोटल कितना हुआ 12। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स में कितने लोग शामिल होते हैं 3 लोग शामिल होंगे, तो हर एक ट्रिपलेट का प्रेजेंट एज है 8, यानी टोटल इन लोग का कितना है 24। बस इनका सम निकालना है, 30, 30, 60, 70, 90, 5, 2, 7, 7 और ये क्या है ये 7, 4, 11, 11, 15, 17, 7, 10, 107, आंसर इज 107। होप यू गॉट द आंसर। ये क्वेश्चन को आप करके बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। अगर नहीं बनता है बॉस तो मैं नेक्स्ट कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और कल आएगा पक्का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कल आएगा पक्का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक से ही मुझे काफी कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोत्साहन मिलती है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।